आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने सामने गद्यांश दे रखा है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। देखिए गद्यांश है, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति में बहुत सी अच्छी बातें होते हुए भी वह मूलतः अधिकार प्रधान भोग प्रधान है, उसमें अपने सुख की प्रवृत्ति प्रधान है। इसलिए यहाँ प्रधान जोर शरीर सुख भोग तथा उसके निमित्त अगणित साधन जुटाने की ओर है, जबकि भारतीय संस्कृति अनेक बुराइयों के होते हुए भी मुख्यतः धर्म प्रधान, कर्तव्य प्रधान, त्याग और तपस्या प्रवर्ती मूलक संस्कृति है। विश्व या विश्व मानवता एवं संस्कृति का निर्माण तभी संभव है जब मनुष्य अपने शरीर का विचार इस सीमा तक न करे कि उस प्रयत्न में वह आत्मा, वह प्राण ज्योति ही तिरोहित हो जाए जिससे मानव मानव है। स्पष्टतः भारतीय संस्कृति में अहिंसक जीवन निर्माण की, दूसरों के लिए जीने की संभावनाएं अधिक होने से गांधी जी की श्रद्धा थी कि भारतीय संस्कृति ही हमारे जीवन का दीप है और वही विश्व संस्कृति या विश्व मानवता की आधारशिला बन सकती है। यह अपना गद्यांश और इससे संबंधित अपना प्रश्न है, निम्न इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अपने पास यहाँ पे कुछ कथन है। पहला है, पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः निवृत्ति मूलक है। पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति में गुण दोष विद्यमान है। पाश्चात्य संस्कृति प्रवृत्ति व निवृत्ति मूलक का मिश्रण है। भारतीय संस्कृति स्वार्थ एवं परार्थ भाव का मिश्रण है। देखिए अगर अपने यहाँ पे बात करें, पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः निवृत्ति मूलक है, यह कथन गलत होता है। पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति में गुण दोष विद्यमान है। पाश्चात्य संस्कृति प्रवृत्ति व निवृत्ति मूलक का मिश्रण है, यह गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो अपना अंतिम विकल्प है, भारतीय संस्कृति स्वार्थ व परार्थ भाव का मिश्रण है। अगर भारतीय संस्कृति में स्वार्थ है तो यहाँ पे कुछ लोग बिना किसी अर्थ के भी कार्य करते हैं। स्वार्थ का मतलब होता है, स्वार्थ का अभिप्राय होता है अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने को ही अहमियत देना, वो होता है स्वार्थ। और देखिए परार्थ होता है, यह इसका विलोम शब्द है, परार्थ परार्थ होता है दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए सोचना या दूसरों के बारे में सोचना, के लिए सोचना। तो यहाँ पे जो अपनी भारतीय संस्कृति है उसमें कुछ लोग स्वार्थी भी हैं तो कुछ लोग वहां पे परार्थी भी हैं। तो यही अपने प्रश्न का सही कथन हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति स्वार्थ और परार्थ भाव का मिश्रण है। तो यहाँ पे अपना जो विकल्प नंबर 4 है अपने प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।